हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टेटनस इंजेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं टेटनस इंजेक्शन के बारे में। टेटनस इंजेक्शन एक टीका है जो टेटनस को रोकने के साथ शरीर में हल्के संक्रमण को विकसित होने से रोकता है एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आइए इस ड्रग के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं कि यह कहां इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल किन किन समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है। यह हल्के संक्रमण को विकसित होने से रोकता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह दवा अन्य उपयोगों के लिए भी निर्धारित की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं टेटनस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में। दोस्तों, इस इंजेक्शन में टेटनस टॉक्साइड नामक ड्रग मिला होता है। आइए अब जान लेते हैं यह इंजेक्शन कैसे काम करता है। टेटनस इंजेक्शन एक टीका है जो शरीर में हल्के संक्रमण को विकसित होने से रोकता है एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। आइए अब जान लेते हैं टेटनस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानों के बारे में। टेटनस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से आपको कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। जब भी आपको बताए गए साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हों तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसको लगाने से उल्टी, मितली, बुखार, इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द, अनिद्रा, दस्त, भूख की कमी, लाल चकते, ठंड लगना, बेचैनी इत्यादि तकलीफें हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं टेटनस इंजेक्शन के इस्तेमाल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप रक्तस्राव विकार से पीड़ित हैं तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको इसमें मौजूद सामग्री से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें या फिर डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप पहले से कोई विटामिन ले रहे हैं तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इस ड्रग को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अधिक मात्रा में यानी ओवरडोज इसकी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने इस दवा को बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लिया है तो आपको लक्षण अधिक गंभीर हैं तो निकटतम डॉक्टर के पास में जाएं और उन्हें अपने लक्षणों को बताएं। कॉमनली सभी लोग टेटनस इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। जब भी किसी को कोई लोहा यानी खीला गड़ जाए या किस प्रकार का लोहा गड़ जाए या धूल मिट्टी अंदर चले जाए शरीर के, तो टेटनस इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि वह तकलीफ, वो बीमारी हमारे शरीर में ना फैले, वो तुरंत रुक जाए। इस इंजेक्शन को लगाने से इसका असर 3 से 6 महीने के बीच तक रहता है। फिर भी इसका सेवन आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन के बारे में। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।